हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज डेट है 27 अप्रैल 2022 और आज डीट प्लेसबी के द्वारा कई सारी अपडेट जारी की गई है, जो कि आज के आज में आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है वो है रिकॉल नोटिसेस के रिगार्डिंग। दो बड़ी पोस्ट कोड के रिगार्डिंग बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट की यहाँ पर डेफिशिएंसी पाई गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द अरेंज कर सके, इसलिए ये नोटिस हम साथ के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। और फ्रेंड्स, हमारे गले में थोड़ी इन्फेक्शन है, तो फ्रेंड्स वॉइस डिस्टर्बेंस तो आप लोगों को सहनी ही पड़ेगी। और क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिस प्रोसेस से हमें सब्सक्राइब किया है, तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ये वीडियो अपलोड करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए, अपडेट को हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेट प्लेस की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो रिकॉल नोटिस जारी किए गए हैं अभी के अभी, जिसमें से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पहला नोटिस है 27/4/2022 का, ये है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, जो कि एमसीडी की पोस्ट है और पोस्ट कोड है 32/21। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इन टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। अभी अभी ये नोटिस डेट प्लेसबी के द्वारा जारी किया गया है। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, पोस्ट कोड है 32/21। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट जारी की गई है एटोजियर के अपलोड के रिगार्डिंग। यहाँ पर फर्स्ट रिकॉल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है कैंडिडेट को। इनके रोल नंबर्स यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं और रिमार्क्स में आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बता दिए गए हैं, जो भी आपको एटोजियर पर अपलोड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोल नंबर आपके मेंशन किए गए हैं, ये कैटेगरी आपकी दे दी गई है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं सब कैटेगरी आपकी यहाँ पर दे दी गई है, और रिमार्क्स में ये वो डॉक्यूमेंट बता दिए गए जो कि आपको अपलोड करने हैं। आपके रोल नंबर के ठीक सामने आपके डॉक्यूमेंट को बता दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं डेफिशिएंसी यहाँ पर मिली है काफी सारे कैंडिडेट्स की। 32/21 इस पोस्ट कोड के रिगार्डिंग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कैंडिडेट्स की डेफिशिएंसी पाई गई है। उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की आप देखिए कितनी बड़ी लंबी लिस्ट ये जारी की गई है, 100 भी क्रॉस हो चुका है, और कह सकते हैं फ्रेंड्स अब तक की सबसे लंबी लिस्ट ये जारी की गई है डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपका रोल नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया हो। 444 कैंडिडेट हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इन 444 कैंडिडेट को डायरेक्टेड किया गया है ईडोजे को अपलोड करने के लिए इन पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को, और ये आपको गिवन टाइम पीरियड दिया गया है। जो आपका ई डोजर का लिंक है वो एक्टिव रहेगा 4 मई 2022 से लेकर के 13 मई 2022 तक। फ्रेंड्स, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कीजिएगा और इस गिवन टाइम पीरियड में जल्द से जल्द इनको अपलोड कर दीजिएगा। और आइए सेकंड नोटिस को अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर भी ईडोजियर के अपलोड के रिगार्डिंग ही नोटिस जारी किया गया है, और ये भी अभी की लेटेस्ट अपडेट है। आप देख सकते हैं नोटिस नंबर है 1445, टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग, पोस्ट कोड है 01/21, DTTE GNCT ऑफ दिल्ली की वैकेंसीज है, और यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिनकी की डेफिशिएंसी पाई गई है। इनको ये फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फ्रेंड्स, और इसीलिए साथ के साथ ये अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स को फिर डॉक्यूमेंट को अरेंज करने में भी टाइम लगता है, और यहाँ पर जो गिवन टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम दिया जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका रोल नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, और रिमार्क्स में ये वो डॉक्यूमेंट आपके बताएंगे जो कि आपको अपलोड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो लिंक है ईडोजियर का वो एक्टिव रहेगा 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का समय आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस गिवन टाइम पीरियड में आप लोग जल्द से जल्द इन डॉक्यूमेंट को अरेंज कीजिएगा और ईडोजियर पर अपलोड कर दीजिएगा। तो कि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ कहा गया है कि अगर आप लोग यहाँ पर ईडोजियर को अपलोड करने में फेल रहते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये रिस्क मत लीजिएगा, जल्द से जल्द ईडोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ।